मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू एक्टिविटी ऑफ आवर चैप्टर नंबर 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स. नाउ इन दिस एक्टिविटी वी विल गोइंग टू ग्रो प्लांट. अब प्लांट के लिए हमें सॉइल चाहिए, सीड चाहिए एंड वाटर चाहिए. बट इन दिस एक्टिविटी वी विल गोइंग टू ग्रो प्लांट विद द हेल्प ऑफ कॉटन. जो कॉटन होता है ना रुई, उससे हम ये प्लांट ग्रो करेंगे. नाउ दिस एक्टिविटी, हम इस एक्टिविटी का नेम रखते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बिकॉज हियर द प्लांट आर ग्रोइंग फ्रॉम सीड. बट थोड़ा सा ट्विस्ट है दैट वी आर यूजिंग कॉटन. हम लोग कॉटन यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सॉइल. ओके, सो इन दिस एक्टिविटी व्हाट यू हैव टू टेक, यू हैव टू, यू वॉन्ट सम piece of plastic ball, okay, some mustard seeds or rye, some piece of cotton and some water, okay. Now you have to take one plastic ball, or you can also take a glass material of ball or plate, okay, whatever you want. आपके घर में जो भी है आप उसको ले सकते हैं. Now further what you have to take, I have taken one plastic ball. And in this, I am taking some cotton. Okay, मैं इसमें cotton रख रही हूँ, इसको अच्छे से place कर रही हूँ. Okay, now अब हमने इसमें अच्छे से cotton रख दिया है. Now further, what I am going to do? I am pouring water. Okay, see, I am pouring some water into this cotton, into this ball. Now, slowly and gradually, this cotton will absorb all the water. ओके, जितना भी वाटर है वो ये सब कॉटन जो है एब्जॉर्ब कर लेगा. नाउ फर्दर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक सम मस्टर्ड सीड्स. ओके, आपको मस्टर्ड सीड्स लेना है एंड यू हैव टू स्प्रिंकल इनटू दिस कॉटन. ओके, इट्स इनफ, इतना है, इनफ है. ओके, अब रेगुलरली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वाटर दिस सीड्स. ओके, आपको कंटिन्यूसली इसमें वाटर डालते रहना है. ओके, और धीरे धीरे विद इन वन वीक यू विल गोइंग टू सी दैट प्लांट्स जो हैं वो धीरे धीरे इसमें ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे. ओके, बट यू हैव टू टेक नोट दैट आपको कंटिन्यूसली इसमें पानी डालना है इस कॉटन को. ओके, इस कॉटन को ज़रा भी आपको ड्राई नहीं होने देना है. यू हैव टू पोर वाटर कंटिन्यूसली. जैसे ही कॉटन सूख जाता है, ड्राई हो जाता है और जितना भी पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको फिर से उसमें पानी डाल देना है. ओके, दिस इज़ योर एक्टिविटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. ओके, इस एक्टिविटी से यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हम बिना सॉइल के कैसे यू नो प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. ओके, एज वेल एज यू विल ऑल्सो गेट बेनिफिट दैट यू विल अंडरस्टैंड अबाउट केयरिंग. आप इस प्लांट को केयर कर पाओगे. ओके, आपको केयरिंग पता चलेगा कि केयरिंग करते कैसे हैं, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस प्लांट. ओके, और आपको रोज अराउंड 5 to 10 minutes यू हैव टू शो सनलाइट. ओके, आपको थोड़ा बहुत बाहर रखना होगा इसको, लाइक इन योर बालकनी और जहाँ पे भी आपके प्लांट्स रहते हैं, आपको थोड़ी देर उसको बाहर रखना है. देन आपको वापस से इसको अपने रूम में ला के रख देना है. ओके, ऐसे आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो एट योर होम. और आपके घर में ये सारी चीज़ें होंगी, सो यू डू नॉट हैव टू बाय एक्स्ट्रा थिंग्स फ्रॉम मार्केट. ओके, जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं आप उसी से ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड आई होप दैट यू विल गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. एंड प्लीज़ टेक अ नोट दैट यू हैव टू ऑब्जर्व. ओके, आपको एक नोटबुक में, इन योर नोटबुक यू हैव टू राइट ऑब्जर्वेशंस. ओके, जितने भी दिन में ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं आपको उसके सारे ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं. दैट हाउ मेनी टाइम्स डू यू हैव वाटर इन इट, आपने कितनी बार इसमें पानी डाला है, देन आपने इसकी कैसे केयर रखी है, आपने इसको कितनी बार सनलाइट दिखाया है. एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. आई होप दैट यू विल गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट योर होम. थैंक यू बेटा, थैंक यू.